Namaste and welcome to my channel SMRITI'S Creative Corner. Friends, मैंने अपना earlier video में कहा था कि मैंने दो plastic हाथ पखा journey करते समय खरीदा था. वो अभी बेकार पड़ा था. उसमें से एक को मैंने Mandala Dot Painting से decorate किया था. उस पखा को मैं as a wall decor piece use करूँगी. सेकेंड हाथ पखा पर मैं बिहार के भूले हुए ट्रेडिशनल मंजूषा पेंटिंग करूंगी. फ्रेंड्स, आप लोग मधुबनी या मिथिला पेंटिंग को अच्छे से जानते होंगे. ये वर्ल्ड फेमस एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, लेकिन बिहार के एक और ट्रेडिशनल पेंटिंग है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था मंजूषा पेंटिंग से ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए. आई विल शो glimpses of few designs developed by me before this tutorial to get acquainted with Manjusha painting. ये painting बिहार के भागलपुर region में practice किया जाता है, mainly on paper. बिहुला लखींदर, चादो सौदागर, मनसा बिसहरी, ये सब के जीवन शैली पर painting के रचना होते हैं. मैं इसके बारे में फिर कभी बताऊंगी डिटेल में. चलिए पेंटिंग शुरू करते हैं. मंजूषा पेंटिंग फ्री हैंड पेंटिंग है. मंजूषा पेंटिंग के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. इसमें मेनली तीन कलर यूज होते हैं, दैट इज पिंक, ग्रीन एंड येलो. डिजाइन के लिए कुछ और कलर भी यूज कर लेते हैं. स्नेक इज द इम्पोर्टेंट मोटिव ऑफ दिस पेंटिंग. स्नेक को स्टाइलाइज्ड करते हैं डिफरेंट डिजाइन से. कलर कॉम्बिनेशन अपने चॉइस पे हो. मंजूषा पेंटिंग में बॉर्डर का भी बहुत महत्व है. बॉर्डर डिजाइन प्रोमिनेंट होता है.
फ्रंट फिगर इंग्लिश एक्स आकार का होता है। पहले आउटलाइन बना लीजिए, उसके बाद मंजूषा पेंटिंग का ह्यूमन फिगर में कान नहीं होते हैं, बाल बहुत कम होते हैं, आंख बहुत बड़ा बड़ा होता है। कान के बिना चेहरा होता है, आंख बड़ा होता है कंपैरेटिवली,
बाल बहुत कम। ब्रेस्ट में तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस पेंटिंग में चांद सौदागर, बाला लखेंदर, बिहुला, मनसा बिसेहरी, सन, मून, स्नेक, फिस, हॉर्स, एलिफेंट, राक्षसी, फ्लावर, बर्ड इत्यादि मोटिफ का यूज होता है। स्नेक मोटिफ प्रोमिनेंटली यूज होता है।